वेलकम फ्रेंड्स, आज की और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज हम आपसे बात करने वाले हूँ एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है जानुविया 100 टैबलेट। यानी जानुविया 100 टैबलेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आपको इस टैबलेट के बारे में जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट जिस पर्पस यूज होती है, अगर आप चाहते हो उसी पर्पस आप यूज करती हो या करना चाहती हो या फिर आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना। क्योंकि अगर आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन जान लेते हो तो फिर आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हो। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रही हो जानुविया 100 टैबलेट, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल मिलाया गया है जिसका नाम है सिटाग्लिप्टिन। ये मॉलिक्यूल काम आती है इंसान की बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, यानी जिसको बोलते हैं डायबिटीज़। जिस इंसान को अगर डायबिटीज होती है उसी पर्पस ये जो सिटाग्लिप्टिन टैबलेट है उसी पर्पस यूज किया जाता है। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी एक बीमारी है जिस इंसान की बॉडी में अगर एक बार आती है तो जिंदगी में कभी नाम जाने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर यानी बोले तो शुगर है, अगर आप शुगर घटाना चाहती हो, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं है यानी ब्लड शुगर नहीं है, तो फिर आप चाहते हो आपकी बॉडी में जिंदगी में कभी ब्लड शुगर ना आए। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी जिसकी आधार पर अगर आप चलती हो तो फिर आपकी जिंदगी में आपकी बॉडी को डायबिटीज कभी पकड़ नहीं पाएगी। देखिए, डायबिटीज का भी एक लेवल होती है, लेवल 1, 2, 3, 4। उसी तरह ये जो मेडिसिन है जो कि है जानुविया 100 जिस लेवल में आती है यानी DPP-4 इनहिबिटर, इसी पार्ट में ये जो डायबिटीज का मेडिसिन सिटाग्लिप्टिन, जैसे कि सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट, इसी की आधार पर और भी मेडिसिन होती है, यानी इसी ग्रुप की यानी एक ही मॉलिक्यूल बोले तो एक ही ग्रुप का दवा भी होती है, जैसे कि सिटाग्लिप्टिन, भिल्डाग्लिप्टिन, एग्लोग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। ये जो चारों यानी पांचों जो मॉलिक्यूल है, इस पांचों मॉलिक्यूल एक ही काम करती है जिस पार्ट में करती है यानी DPP-4 इनहिबिटर। देखिए, डायबिटीज से ऐसी एक बीमारी है, इसके लिए मार्केट में अभी स्टोर में आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएगी, यानी ओनली फॉर शुगर की मेडिसिन मिल जाएगी, जैसे कि ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेस, ग्लूकोनॉम, जीमार, जीटामेट, इस्टामेट, इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन और भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। देखिए, वो तो बड़ी वाली बात नहीं है, बड़ी वाली बात यही है कि अगर आपकी बॉडी में शुगर है, ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड शुगर लेवल है, तो फिर आप इसको कैसे कंट्रोल में ला सकती हो। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर नहीं है तो फिर आपको बॉडी में कभी लाने का मौका भी ना छोड़े। देखिए, इसके लिए आपको बॉडी को बहुत ही हेल्थी रखनी पड़ेगी और बॉडी को बहुत ही तंदुरुस्त रखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यानी अगर आप बोले तो आप प्री वर्कआउट करिए, यानी आप अपने घर पे ही करिए। अगर आप घर पे करने का मन नहीं पड़ती है तो फिर आप एक बार जिम जाइए, जिम पे जाके एक्सरसाइज करिए यानी वर्कआउट करिए, तब आपको आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही तंदुरुस्त रहेगी, आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत ही फुर्तीला होगी, जिसके कारण आपको आपकी बॉडी में कभी बीमारी घुसने का मौका नहीं मिलेगी, यानी बीमारी आपकी बॉडी में घुसने नहीं पाएगी। सो इसके लिए आपको अपने आप को ही थोड़ा कंट्रोल में लाना होगा, अपने आप को ही थोड़ा मोटिवेट करने पड़ेगी, जिसके कारण अगर आप देखिए दिन के दिन तो उम्र घटती नहीं, दिन के दिन उम्र बढ़ती जाती है, इसी तरह दिन के दिन हमारी बॉडी में जो बीमारी दिन के दिन बढ़ती जाती है। इसीलिए आपकी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, जिसके चलते आपकी बॉडी का जितने भी पार्ट्स है वो पार्ट्स बहुत ही रिफ्रेश होगी, रिफ्रेश जनरेट करेगी, जिसके चलते आपकी बॉडी में जो वायरस, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपकी बॉडी में घुसने नहीं पाएगी। अगर आपको डायबिटीज है तो आप नियमित रूप से मेडिसिन ले, यानी मेडिसिन लेना मत छोड़िए, यानी एक ही टाइम, हर रोज एक ही टाइम में मेडिसिन लेते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, तो आप बेफिक्र होके मेडिसिन लेते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, आपकी बॉडी में जितने भी मात्रा में शुगर लेवल है वो धीरे धीरे घटती रहेगी और ये तो कभी बॉडी से जाने का नाम नहीं लेता है। फिर भी आप नियमित रूप से कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहिए, आपकी मेडिसिन का जो पावर होती है वो दिन के दिन घटती जाएगी और बॉडी से आपका जो ब्लड शुगर लेवल वो घटती जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही, आशा करती हूँ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही गया है। अगर आपको हमारी इस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते जो कि आपको जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ फिर और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।